उर्दू सबक नंबर एक हिस्सा दोम उन्वान तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा। आज हम इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। यह है हमारी उर्दू की किताब सातवीं जमात के लिए, जिसमें से हम लेसन तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आपको उर्दू क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं कौसर क्लॉडियस, आपकी टीचर। हमने पिछली क्लास में सबक तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा अव्वल पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि कायदे आज़म ने जब मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली तो उन्होंने ख़वातीन की शमूलियत को भी बहुत अहम समझा। ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर मुस्लिम लीग में शामिल होकर अपना किरदार अदा किया। अब हम और आप मिलकर सबक तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा सफ़ा नंबर 35 और 36 पढ़ेंगे। मैं सबक को पढ़ूंगी और आप हर सतर को गौर से सुने और मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद करें। कायदे आज़म ने ख़वातीन से मुस्लिम लीग में शामिल होने की और अपनी कौमी जिम्मेदारियां संभालने की जो अपील की, इसकी बदौलत ख़वातीन में कौमी और मिल्ली फ़र्ज का एहसास बेदार हुआ। ख़वातीन जोग दर जोग मुस्लिम लीग में शामिल होने लगी। मुस्लिम लीग में ख़वातीन के शामिल होने का ये नतीजा निकला कि घर घर मुस्लिम लीग का चर्चा होने लगा। औरतें जहां भी जमा होती वहां मुस्लिम लीग का ज़िक्र ज़रूर होता। ख़वातीन की मुस्लिम लीग में शमूलियत की बदौलत मुस्लिम लीग का नाम बड़े शहरों से निकलकर तेज़ी के साथ छोटे कस्बों और देहातों तक पहुंचने लगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने इस पैराग्राफ में जाना कि कायदे आज़म की अपील पर ख़वातीन ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुस्लिम लीग के पैगाम को मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाया। ख़वातीन ने तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार बड़ी खूबी और जोश और जज्बे के साथ अदा किया। अब हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तंजीम नौ के वक्त ख़वातीन शाख की भी बाकायदा तंजीम शुरू की गई। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की ख़वातीन की एक सब कमेटी बनाई। इस कमेटी में बर सगीर के हर सूबे से एक या दो ख़वातीन को शामिल किया। मुस्लिम लीग ख़वातीन की इस कमेटी की पहली सदर बेगम मोहम्मद अली जौहर मुंतखब हुई थी। आपने बेहद जद्दोजहद की, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, हर सूबे में सूबाई कमेटी कायम की। सूबाई कमेटियों के अरकान ने अपने शहरों और मोहल्लों में कमेटियां कायम की। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में ख़वातीन मुस्लिम लीग कमेटी की शाखों का एक जाल फैल गया। बेगम मोहम्मद अली जौहर ख़वातीन सब कमेटी की सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिसे आमला की भी रुकन थीं। इनकी मसरूफियात के पेश नज़र ख़वातीन सब कमेटी के लिए बेगम अब्दुल्ला हारून को सदर मुंतखब कर लिया गया। इस पैराग्राफ ने हमने मुस्लिम लीगी ख़वातीन तंजीम के बारे में जाना कि कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की सब कमेटी बनाई। इसकी पहली सदर बेगम मोहम्मद अली जौहर मुंतखब हुई, जिन्होंने बेहद जद्दोजहद की और पूरे हिंदुस्तान में सूबाई कमेटियां कायम की। इस तरह मुस्लिम लीग कमेटियों का एक जाल फैल गया। मुस्लिम ख़वातीन ने बड़े जोश और वलवले के साथ अपनी खिदमात सरंजाम दी जो काबिले तहसीन हैं। तहरीके पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, ये हैं बेगम अब्दुल्ला हारून। अब हम बेगम अब्दुल हारून के बारे में पढ़ेंगे। बेगम अब्दुल हारून क़याम पाकिस्तान तक इस तंजीम की सदर रहीं।
इस ज़माने में जिन ख़वातीन ने तहरीके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने और कायदे आज़म के पैगाम को घर घर पहुंचाने की कोशिश की, इनमें मोहतरमा फातिमा जिना, बेगम अख्तर सुलेमान, बेगम तसद्दुक हुसैन, बेगम शाहनवाज और बेगम शाइस्ता अकरामुल्ला के नाम सरफहरिस्त हैं। बेगम राना तहरीके पाकिस्तान के अजीम रहनुमा नवाबजादा लियाकत अली खान की बेगम थीं। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। बेगम राना ने अपने शौहर के साथ मिलकर तहरीके पाकिस्तान के लिए भरपूर जोश और जज्बे के साथ काम किया। सिंध से नुसरत बेगम, जो कि सर अब्दुल्ला हारून की बेगम थी, ने भी ख्वातीन की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। आप तहरीके खिलाफत के ज़बरदस्त हामी थीं। आपको सिंध की सूबाई ख्वातीन कमेटी की सदर के लिए नामज़द किया गया यानी मुंतखब किया गया, चुना गया। अजीज़ तलबा तालबात, इस पैराग्राफ में हमने जाना कि बेगम अब्दुल्ला हारून क़याम पाकिस्तान तक सब कमेटी की सदर रहीं और अपनी बेलोस खिदमात पेश की। तहरीके पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, ज़खीरा अल्फाज। अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं इन अल्फाज को पढ़ूंगी और आप लफ्ज़ों की अदायगी पर गौर कीजिए, गौर से सुनिए। पहला लफ्ज़ है तंजीम, तंजीम। मुन्तखब, मुन्तखब। अरकान, अरकान। शमूलियत, शमूलियत। बदौलत, बदौलत, बदौलत। चर्चा, बाकायदा, बाकायदा। इन्हीं सफ़ात से हम अल्फाज मायने देखेंगे। मैं पढ़ूंगी और आप तवज्जो से सुनिए। बेदार, होशियार। गफलत की नींद से जागना। जोग दर जोग, गुरों के गुरों। शमूलियत, शामिल होना। मसरूफियात, मशगूल होना या काम में लगा रहना। अल्फाज मायने, तंजीम नौ, नए सिरे से इंतज़ाम करना। मुंतखब, इंतखाब किया गया या चुना गया। सर फहरिस्त, सबसे पहले। कायद इंशा में यानी ग्रामर में हम तहरीके पाकिस्तान में ख़वातीन के हिस्से से देखेंगे। वाहिद जमा, वाहिद जमा। खातून, ख़वातीन। शाख, शाखों। कौम, अकवाम। रुकन, अरकान। कायद इंशा का दूसरा काम अल्फाज मुतजाद यानी अल्फाज और उसके उलट। अल्फाज मुतजाद, बाकायदा, बेकायदा। मर्द, औरत। शहर, गांव। शुरू, आखिर। अज़ीज़ तलबा तालबात, ये आपके घर का काम है जिसे आप फुल स्कैप शीट पर करेंगे और स्कूल में आके जमा करवाएंगे। हम तीन कॉलम बनाएंगे, अल्फाज, मायने और जुमले का। अल्फाज और मायने मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी और आप लफ्ज़ों से जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज़, जोक दर जोक, गुरो के गुरो। मकासिद, अगरास, मुरादें। क़यादत, रहनुमाई। इंतखाबात, चुनाव या इलेक्शन। तहरीक, हरकत, जुम्बश। आप जुमले बनाएंगे जैसे पहला लफ्ज़ है जोग दर जोग। ख़वातीन जोग दर जोग मुस्लिम लीग में शामिल होने लगी। अज़ीज़ तलबा तालबात, आपके घर का दूसरा काम दर्जा ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। आप फुल स्कैप शीट पर इन्हें जवाबात लिखेंगे और स्कूल में आके जमा कराएंगे। पहला सवाल,
तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली चंद ख़वातीन के नाम तहरीर करें। तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली चंद ख़वातीन के नाम तहरीर करें। दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग ख़वातीन की सब कमेटी की पहली सदर कौन थी? मुस्लिम लीग ख़वातीन की सब कमेटी की पहली सदर कौन थी? अज़ीज़ तलबा तलबात, आज का सबक हमारा यहाँ तक। घर पर रहें, खुश रहें और महफूज रहें।